व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। 23 नवंबर है आज, काफी कुछ शानदार आप लोगों के सामने आने वाला है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को लेक्चर फायदा पहुंचा रहा है तो आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से फेसबुक से या फिर टेलीग्राम से। दोनों के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। बात की जा रही है डेटम लाइन के बारे में। क्या होती है डेटम लाइन? देखिए, आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल बनाने के बाद में आप लोग का एक टारगेट रहता है कि टारगेट आप लोग क्या करना है कि अप्रोक्सीमेट मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो पाता है, रेयरली ही आप लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा टारगेट जो है वो थोड़ा सा टाइट वाला अपना रखते हैं कि हाँ इतना मुझे कंप्लीट करना है। तो डेटम लाइन भी कुछ ऐसी होती है। ये क्या करती है कि रेफरेंस पॉइंट होती है कि यहाँ पर हम लोगों कम से कम ये एक कोई रेफरेंस पॉइंट रख देते हैं, तो इसके ऊपर कितनी हाइट है और इसके नीचे कितनी डेप्थ है। तो ये एक तरीके से हाइट और डेप्थ को नापने का एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, उसको बोलते हैं डेटम लाइन। ठीक है, तो किसी भी तरीका अगर मान लीजिए, एक तरीके से डेटम का मतलब रेफरेंस एक तरीके से करना, तो किसी भी तरीके से अगर यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल एक इमेजिनरी लाइन मान ली जाती है कि यहां से हाइट इतनी होगी और डेप्थ इतनी होगी। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं यहां पर डेटम लाइन, अगर कोई पूछे कि क्या होता है, तो एक हॉरिजॉन्टली एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन आप लोग बोल सकते हैं, एज ए रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ली जाती है हाइट और डेप्थ नापने के लिए। ओके, तो आंसर हो गया यहां पर डी। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि 2021 में नेक्स्ट सेंसस आने वाला है, उससे पहले जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे वो 2011 के सेंसस के बेस पर पूछे जाएंगे। तो इसलिए हल्का सा आइडिया आप लोग इसको रखिएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2011 के सेंसस के ऊपर, तो यहां पर भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। तो बात की जा रही है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सा स्टेट था जो कि हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट सेक्स रेशो था रेस्पेक्टिवली, यानी कि कौन से राज्य में सेक्स रेशो यानी कि जो मेल और फीमेल का रेशो है वो ज्यादा था और कौन से राज्य में कम था। कम वाला तो आप लोगों ने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता नहीं कितनी बार यहां पर जिक्र किया गया उसके बारे में। तो हरियाणा राज्य का सेक्स रेशो काफी कम था। सेक्स रेशो कैसे काउंट करते हैं, पर 1000 जो महिलाएं होती हैं या फिर आप लोग लड़कियां बोल सकती हैं, उसके हिसाब से कितने मेल कम्युनिटी हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए शादी करानी है तो क्या यहाँ पे इतने हैं कि 10 लड़की हैं और 10 लड़के हैं शादी कराई जाए, उस तरीके से आप लोग मोटा मोटा तौर पर इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कितने यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 1000 यहाँ पर मेल है तो फीमेल कितनी है यहाँ पर। हमेशा मेल आप लोगों को नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलते हैं और फीमेल कम देखने को मिलती है, तो एक तरीका इस तरीके का रेशियो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो केरला में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, और अगर बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर सबसे कम सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये बात की जा रही है। ठीक है, तो मेल कम्युनिटी पे कितनी फीमेल कम्युनिटी यहाँ पर ये रेशियो में हिसाब से आती है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और एग्जैक्ट नंबर क्या था तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर बात की जा रही थी 943 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है ना, तो आप लोग देखते हैं यहां पर, ये यहां पर गैप था, यहां पर थी 943, तो गैप कितने का आ गया यहां पर, तो गैप आप लोगों के सामने 57, यानी कि 57 फीमेल कम है एज कंपेयर टू अगर मेल की हम लोग बात करें। तो ये ऑल ओवर इंडिया का एवरेज है आप लोगों के सामने, अलग अलग स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट था, वो आप लोग हल्का सा अगर अपने स्टेट का जिस भी आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में उसी स्टेट का आप लोगों से पूछा जाएगा। सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से सेंट्रल लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए हो सकता है, पर लेकिन ध्यान से अगर सुनिएगा तो आज के बाद में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। पहली बात की जा रही है इमिग्रेशन और दूसरी बात की जा रही है एमिग्रेशन, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगर मान लीजिए जिस तरीके से आप लोग यहां पर उदाहरण समझिएगा, जैसे मान आप लोग यहां पर इंडिया में रहते हैं, ठीक है, ये हो गया इंडिया और ये हो गया जापान में आप लोगों को जाना है, तो आप लोग जैसे यहां से इंडिया को छोड़ेंगे जापान के लिए, तो हमारी कंट्री में आप लोग इमिग्रेट यानी कि EMIGRAT जो ई वाला होता है ये वाला कहलाएंगे, यानी कि अपनी कंट्री से आप लोग निकल चुके हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहां पर दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं तो यहां पर आप लोग आए हैं रहने के लिए परमानेंटली, तो यहां पर आप लोग क्या बोला जाएगा, यहां पर आप लोग को IM, ठीक है, तो इमिग्रेट बोला जाएगा। तो यहां से निकलने के लिए ई, यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं एग्जिट हो गया यहां से, और यहां से आई हो गया यानी कि इन। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी याद रखते हैं। तो एक जगह छोड़ना जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां से आप लोग इमिग्रेट कर गए, और किस कंट्री में या किस एरिया में जाकर रह रहे हैं, मेनली कंट्री होता है, परमानेंट जगह छोड़ के जाना, वहां पर आप लोग इमिग्रेट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस।
अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये माइग्रेट क्या होता है। फिर माइग्रेट होता है कि एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं, उसको माइग्रेट बोलते हैं। नॉर्मली बर्ड्स भी आप लोग देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर विंटर से या दूसरे एरिया में माइग्रेट करती रहती है, तो उसको माइग्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों शब्द में आप लोग के माइंड में क्लियर डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से इसको आगे देखेंगे तो ये पहली डेफिनेशन आप लोगों को सही नजर आएगी और ये डेफिनेशन आप लोगों को गलत नजर आएगी। माइग्रेशन में क्या बोला गया है, जो माइग्रेशन होता है यहां पर, जो पीपल इनटू एरिया आउटसाइड जो कहा जाता है, यानी कि अपने एरिया में जो रह रहे हैं उसको छोड़ के आउटसाइड किसी एरिया में जाते हैं, तो जिससे मैंने बोला आप लोग जापान में पहुंच जाए, तो ये इमिग्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिए इसको। अगर देखें यहां पर नेक्स्ट बात क्या बोली गई है, इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ एन एरिया टू द अदर रीजन कॉल्ड इमिग्रेशन। ठीक है, मान लीजिए जहां से आप लोग निकल रहे हैं उसके लिए आप लोगों को इमिग्रेशन बोला जाता है, और यहां पर इमिग्रेशन समझ में आ गया डिटेल में। अब यहां पर जब स्टार्टिंग वाली ये बालेंगे तो यहां पर एक एरिया से दूसरे एरिया में सीजनल काम के लिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मली माइग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर इमिग्रेशन यूज नहीं होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहां पर बी। आपसे भी कुछ भी क्वेश्चन ऐसा कोई बनाकर पूछा जा सकता है घुमा फिराकर, तो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन मेथड से आप लोग इस शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात बोला गया कि कौन सा ग्रुप है यहाँ पर रिवर का जो ओरिजिनेट होता है इंडिया से बाहर, यानी कि हमारी कंट्री से बाहर ओरिजिनेट होता है, पर हमारी कंट्री में बहता है पर लेकिन ओरिजिनेट यानी कि जहां से निकलती है रिवर वो बाहर है। देखिए पहले तो आप लोग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को तो भूल ही जाइए, आप लोगों ने सबने पता होगा तिब्बत से निकल कर आती है, अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं और पता नहीं कितनी बार मैं इसके बारे में आप लोगों के सामने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन में चारों में है, वैसे भी इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। अब गंगा हमारी खुद की रिवर है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये गंगा हो गई। यहाँ पर यमुना भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो नॉर्मली सबको पता ही रहता है। अगर ये भी नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम कॉमन चीजें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कॉमन सेंस यूज करना एग्जाम में, कॉमन सेंस का मतलब ये होता है थोड़ी सी चीजें आप लोगों को पता है, इधर उधर से सुनिए, वो चीजें यूज करके आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो दो ऑप्शन आप लोग यहाँ पर हट गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, अब बच गया आप लोगों के सामने बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नेक्स्ट काफी न्यूज में भी था, भी आप लोगों ने रिसेंटली सुना भी होगा सरायू रिवर का नाम। यहाँ पर सरायू रिवर आप लोगों ने या फिर आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वेदा में भी इसके नाम का जिक्र किया जाता है। दूसरी बात, आप लोगों ने सरायू रिवर के नाम में जब भी बात आता है रामायण का नाम किया जाता है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने अगर हल्का सा भी कहीं पर सुना होगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोग अपने कान खुले रखते हैं तो इस तरीके से आप लोग सरायू रिवर के बारे अभी कुछ दिनों पहले भी अभी जिक्र हो रहा था आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ या आप लोग बोलिए, तो उनके द्वारा भी कई बार इसका जिक्र किया जाता है नॉर्मली। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले और अभी हाँ बात यहाँ पर की जा रही है जो योगी जी के द्वारा अभी यहाँ पर यह भी अनाउंस किया गया था कि राम जी की सबसे ऊंची स्टैचू लगभग 151 ये यहाँ पर मीटर की स्टैचू बनाई जाएगी, कहाँ पर, ये इसी रिवर का जिक्र वहां पर किया गया था। तो ये भी आप लोगों को इंडिया में ही देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, कोसी और लोहित। बाकी जो बच गई तीनों रिवर आप लोगों को ब्रह्मपुत्रा, कोसी और ये आप लोगों को तीनों देखने को मिलेगी। लोहित तीनों रिवर आप लोगों को तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, कई बार चाइना की वैसे ये न्यूज में भी रहती है कई रीजन की वैसे, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है टर्म ग्रीन बोनस के बारे में। आखिर क्या होता है बोनस, तो आप लोगों को पता होगा नॉर्मली कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना, ठीक है, बोनस पॉइंट आप लोग बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस तरीके से ग्रीन का मतलब क्या हो गया, हरा भरा, यानी कि कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ आप लोगों को नजर आएगा, या तो पेड़ पौधे से रिलेटेड या फिर आप लोगों को फॉरेस्ट से रिलेटेड। जी हाँ बिल्कुल सही है, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को कवर करने में हेल्प करती है या फिर इसके लिए ज्यादा फोकस देती है तो उसको ग्रीन बोनस देने की यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि फॉरेस्ट कवर को और बढ़ाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्रीन बोनस यहाँ पर अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि इन्वायरमेंट आप लोग जानते हैं कितना प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने। अब बात की जा रही है सेतु समुद्रम शिप कैनाल के बारे में, तो किस पर्टिकुलर एरिया को ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो एक एरिया है यहाँ पर किनके बीच में ये है, यानी कि अगर यहाँ पर ये बन जाएगा तो कौन से एरिया आप लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन दो एरिया को ये डिवाइड करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊपर हो गया पाल्क स्टेट और नीचे हो गया गल्फ ऑफ मन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडम ब्रिज इसको बोला जाता है, सेतु समुद्रम भी इसको बोला जाता है, ये इस तरीके से कनेक्ट यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। या फिर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखिए ये हो गया रामेश्वरम, रामेश्वरम में यहाँ पर ये हो गया धनुषकोडी। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अब समझ सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर धनुषकोडी, ये हमारी कंट्री का यहाँ पर इधर सबसे पॉइंट हो गया। या फिर अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर इधर कोई आइलैंड का नाम अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा और जूम करेंगे, एक मिनट,
अब देखिए ठीक है, ये अलग अलग है यहाँ पर, ये एडम ब्रिज हो गया, फिर इसको बोल दिया है सिक्स्थ आइलैंड। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये है श्री राम सेतु बोल दिया गया इसको, आगे चल के फिफ्थ आइलैंड हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, फोर्थ आइलैंड हो गया यहाँ पर, ये सारे श्रीलंका के अंडर के आइलैंड है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये बर्ड आइलैंड हो गया, तो ये सारे यहाँ पर इसी को कनेक्ट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। सेकंड आइलैंड इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से भी आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिए। फर्स्ट आइलैंड हो गया श्रीलंका का, तो इस तरीके से श्रीलंका को ये कनेक्ट करता है आगे चल के, फिर यहाँ पर ये पहुंच जाता है। समझ रहे हैं आप ये कि आइलैंड के जो नाम रख रखे हैं, तो ये भी हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाक स्टेट आप लोग इसको बोल सकते हैं, इनको डिवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोगों को ये भी देखने को मिले पाल्क बे, और या फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसको डिवाइड करता है और किसको कनेक्ट करता है, दोनों मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर फिलहाल अभी ये है आप लोगों के लिए जो सबसे एक्यूरेट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अभी हम लोगों ने कल भी एक क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड, अभी यहाँ पर रिसेंटली डेथ हुई है किसकी, ये अनंत कुमार जी की। इनकी डेथ होने के बाद में पार्लियामेंट्री जो अफेयर मिनिस्ट्री थी वो तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में आ गई। अब यहाँ पर इनके पास में एक और मिनिस्ट्री थी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो ये किसके पास में आ गई थी, ये आ गई थी सदानंद गौड़ा जी के पास में। यानी कि जो दो मिनिस्ट्री थी इनके पास में, ये डिविजन कर दिया गया, एक नरेंद्र सिंह तोमर जी को दे दी गई और दूसरी यहाँ पर इनको दे दी गई, जिनका इनके पास में चार्ज था। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं, क्योंकि रिसेंटली इनको अभी नई जो ये मिनिस्ट्री दी गई है, तो पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर को पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किसके पास में है। ओके, तो नरेंद्र सिंह तोमर और सदानंद गौड़ा। ठीक है, तो अभी का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में हैशटैग मीटू कैंपेन चल रहा है, तो उसकी वजह से कई सारी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उनके साथ में काम करने वाले लोग अब काम करना छोड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर साइने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के द्वारा टर्मिनेट कर दी गई है मेंबरशिप किसकी, किस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की, जिसको यहाँ पर सेक्चुअल एब्यूज के उसमें सेक्चुअल एलिगेशन के उसमें उसको संलिप्त पाया गया है। तो कौन से हैं ये जो आर्टिस्ट हैं, तो ये हैं यहाँ पर आलोक नाथ जी। आलोक नाथ जी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा सीरियल्स में या मूवी में, जो एक संस्कारी पिताश्री का रोल प्ले करते हैं, तो एक संस्कारी पिताश्री का रोल प्ले करने वाले इंसान के ऊपर यहाँ पर इस तरीके चार्ज लग रहे हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इंडियन रेलवे के द्वारा अभी कितने स्टेशन को चुना गया है यहाँ पर, जिस पर लगभग 100 मीटर जो ऊंचा झंडा यहाँ पर लगाया जाएगा, ट्राई कलर हमारी कंट्री का फैलाया जाएगा, कितने स्टेशन पर बात की गई है ये हमारी कंट्री में, जो बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है यानी कि जहां पर जो जनता है बहुत ज्यादा जाती है, तो ये है यहाँ पर सी, यानी कि 75 ऐसे स्टेशन चुने जाएंगे जिसके ऊपर यहाँ पर 100 फीट ऊंचा झंडा लगाया जाएगा, ताकि जो जनता है उसके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाया जा सके। तो यह है यहाँ पर आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है फर्स्ट कंट्री यहाँ पर G7 कंट्री में से एक ऐसी कंट्री है जिसके सेंट्रल बैंक के पास में इतनी मनी है जितनी की उसकी कंप्लीट इकोनॉमी के पास, कंप्लीट कंट्री की इकोनॉमी भी नहीं है। यानी कि सेंट्रल बैंक, जैसे मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में इतना पैसा है जितना कि हमारी सारी इकोनॉमी भी नहीं है, तो इस तरीके से कौन सी कंट्री का ये बैंक है, तो ये बैंक है जापान। जापान के बैंक के पास में इतना पैसा है कि पूरी इकोनॉमी में भी इतना पैसा नहीं है। G7 कंट्री कौन कौन सी है, तो G7 कंट्री में आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा फ्लिपकार्ट कंपनी का नाम, तो फ्लिपकार्ट कंपनी के जो को फाउंडर थे उनके द्वारा अभी अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया गया है। रीजन क्या है, कई सारे रीजन लगाए गए हैं यहाँ पर, सेक्चुअल असोल्ट, रोबी हेरा फेरी, कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो नाम क्या है इंसान का, नाम है बेनी बंसल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है अभी आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले काफी न्यूज में थी जब फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट के साथ में मर्जर करने की बात की जा रही थी, तो इसलिए भी काफी न्यूज में थी, हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और फायदा पहुंचा रहा है तो शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाया जा सके। PDF जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।